चलो भाई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारा मुर्गा। दोस्तों ये बेचारा बहुत अकेला और मैं इसके लिए बहुत परेशान था। ये बेचारा पता नहीं किसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, अकेला रहता है। मैं पहले परेशान था कि ये हमारे ऊपर पता नहीं क्यों हर वक्त हमला करता रहता है। मुझे अब मैं पता चला है कि इसके साथ इसके लिए मुर्गी लेनी है, तो फिर ये सही हो जाएगा। तो चलो जल्दी से चलते हैं और इसके लिए मुर्गी लेके आते हैं। पता नहीं बेचारे ने इतने दिन कैसे गुजारे हैं भाई। दो बस इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और आपके लिए हम जा रहे हैं मुर्गी लेने। फाइनली आप ऐसा करोगे, ये बाजरा वगैरह खाओ और हम अभी मुर्गी लेके आते हैं आपके लिए। दोस्तों मुर्गे से ज़्यादा तो मैं खुद ही परेशान था। बेचारा पता नहीं कैसे इसने इतने दिन गुजारे हैं और अब मेरे से इसके लिए बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। आप जल्दी से जाते हैं और इसके लिए मुर्गी का बंदोबस्त करके आते हैं। मार्केट जाते हैं और देखते हैं, शायद हमें कोई और चीज़ भी पसंद आ जाए तो हम वो भी अपने मिनी ज़ू के लिए लेके अभी आते हैं। दोस्तों फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और हम अपने मुर्गे के लिए लेके आ चुके हैं दो प्यारी सी मुर्गियाँ। तो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। देखें इसने सब्र किया और एक की बजाय इसको दो दो मुर्गियाँ मिल चुकी हैं अब, और हमें भी इस तरह सब्र ही करना चाहिए। तो चलो हमने पूरी कोशिश की थी कि जैसा हमारा मुर्गा है ना, इसी तरह की बिल्कुल इसी रंग की दो मुर्गियाँ मतलब मुर्गी मिल जाए। तो हम अपनी कोशिश में कामयाब हुए और जैसा ये है बिल्कुल ऐसी मुर्गियाँ लेके आए हैं। अब देखते हैं कि ये इनको एक्सेप्ट करता है या नहीं। हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है। तो जल्दी से मैं इनके पाँव खोल देता हूँ और देखते हैं कि इनका क्या रिएक्शन आगे का। एक मिनट इसको यहाँ रख देते हैं। तो मैं पहले इसके पाँव खोल देता हूँ। ये खुल गए इसके पाँव। तो पहले इसको अंदर डाल के देखते हैं कि मुर्गे का क्या रिएक्शन है। एक बात बताऊँ, ऐसे ही है, देखो जिस तरफ मुर्गी को लेके जाओ मुर्गा फौरन उस तरफ ही आ जाता है। देखते हैं अंदर डाल के मुर्गा क्या रिएक्शन करता है। चलो भाई। चलो दूसरी को भी खोल के जल्दी से अंदर डालते हैं और देखते हैं कि ये आपस में कैसे रहते हैं अब। एक मिनट, ये लो। कुछ भी नहीं कह रहा, मुझे लगता है दोस्ती होने वाली है इनकी आपस में। इनको खाने का भी कुछ रख देते हैं कि अभी सुकून से खाएं पिए और आपस में। जल्दी से अब हमें अंडे चाहिए इनके, आखिर कुछ फ़ायदा हमें भी तो होना चाहिए ना। दोस्तों मौसम देखें, आज बिल्कुल VIP हो चुका है। बारिश हुई है और यहाँ पे मुल्तान में बड़ा VIP मौसम हो चुका है। सारे लोग घरों से बाहर आ गए हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम ख़त्म कर लें, क्योंकि जब धूप होती है तो हमारे से काम होता ही नहीं है। असल में ना बारिश होने के फ़ौरन बाद ये सारी चूंटियाँ निकल आई हैं। अब यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, तो पहले इनका बंदोबस्त करते हैं और फिर ये देखें आप, ये सामान वगैरह सारा साइड पर करके ना, इसको भी सेट करके यहाँ पे हमने लेके आने खरगोश वगैरह कबूतर। तो इनकी भी आज जगह ही बना ही देते हैं, क्योंकि ना वैसे तो आम दिनों में धूप होती है और काम कुछ भी नहीं होता। तो आज मौसम अच्छा हो गया तो मैं सोच रहा हूँ ये सारा काम आज ख़त्म कर दूँ। और तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। बल्कि ये जो हम मुर्गियाँ इनको भी खोल देते हैं बाहर निकल, जब तक ये बाहर निकल के घूम फिर लेंगे हम बाकी काम कर लेते हैं। और ये ज़ोरो साहब को देखें, ये हर टाइम इसके यही काम होते हैं। तोते बेचारे क्या करें अभी, बस चलो हम काम स्टार्ट करते हैं। ये तो होता रहेगा। बल्कि ना इसको मैं ऊपर बिठा देता हूँ ताकि ये भी तंग ना हो। इसको पिंजरे के ऊपर बिठा देते हैं और ये मुर्गियाँ खोल देते हैं, फिर अपना काम शुरू करते हैं। चलो भाई, वो देखो फिर पहुँच गया। चल भाई, चलो ये अपना घूमती फिरती रहेंगी और हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा दोस्त आया हुआ है हसीब, ये मेरी मदद कराएगा काम कराने में। तो जल्दी जल्दी हम काम ख़त्म करते हैं ताकि हम इसमें जल्दी से जल्दी अपने नए मेहमान लेके आ सकें। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। ये सारा कुछ उठा के अंदर फेंक देते हैं पहले। सारा गंद हुआ पड़ा यहाँ पर, कब से सफाई नहीं की। ये पड़ा रहना, ये छत के लिए काम आएगा। चूंटियों ने भी अजाब किया होगा यहाँ पे सारा। इसको अंदर फेंक दे सारे को। ख्याल से घर को अंदर से कोई चीज ही ना निकल आए, ख्याल से हाथ मार। ये तो पड़ी रहे ना ईंटे, ये वाली ईंटे, ये ईंटे पड़ी रहे। इसको बल के ना
पूरा बंद कर देते हैं यहाँ से ईंटें लगा के, एक दरवाजा बहुत है इसके लिए, तो जा। इसको पूरा करते हैं, इसको खड़ा कर लेते हैं, बनेगा, इसको खड़ा कर लेते हैं और आराम से इसकी सफाई करके ना सारा कुछ निकाल के ना यहाँ पे खरगोशों की बड़ी वीआईपी जगह बन जाएगी। वीआईपी काम हो गया, चलो ठीक हो गया, चलो ठीक हो गया। ये देख यूँ आएगी और इसको मोड़ दे, ये वाली मुड़ेगी, हाँ ऐसे, अब सही होगा। दोस्तों मिस्त्रियों को बंदा काम बताए तो वो तो बस लारे ही लगाते रहते हैं, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, इसलिए हमने कहा थोड़ा थोड़ा काम खुद ही करते रहते हैं, जो काम होगा ना मुश्किल हमारे से नहीं होगा उसके लिए मिस्त्री कर लेंगे, ये छोटे मोटे काम तो हम खुद कर ही सकते हैं ना। ये हो गया, एक मिनट यहाँ पे भी एक बड़ी ईंट रख दे उतार के ना, ये वाली उल्टे करके रख, बस सही है, नहीं नहीं गिर जाएगी उल्टी कर, नहीं गिरेगी यार ये देख, बाकी अब यहाँ पे आ जाएंगे ईंट पूरी, हाँ ये इस तरह सही हो गया, ये ले ये भी इस तरह ही आएगी, इसको मोड़ दे इस तरह, एक मिनट उठा लेता हूँ, इसको हो गया, यहाँ पे भी अगर रख देते हैं बस सही हो गया। ये देखो अब मैंने पिंजरा ऊपर रखा तोतों का ताकि ये ना पहुंच सके, और इसकी हरकतें चेक करो ज़रा, ये भाई तोतों के पीछे है, पता नहीं ये कब समझेगी, ये देखो इसकी हरकतें, देखो हरकतें, वाह हाथ इसके कभी नहीं लगने, लेकिन ये भाई पूरी कोशिश करेगी अपनी, मैंने पिंजरा जान के ऊपर रख दिया था ताकि ये ऊपर ना ऊपर नहीं आ सकेगी, लेकिन ये भाई पहुँचेगी, मैं थक गया है। बस सही हो गया, खरगोश की बिल्ली पार नहीं जाती, खरगोश बड़ी तेजी से भागता, बिल्ली पार जाती है, देख छुरी हाथ पे भी लगी है, दिखा दिखा, ये देखो मेहनत कर रहे हैं यार, बड़ी जोर की लगी है, बड़ी गंदी छुरी लगी है, ये देखो देख के नहीं कर सकता, बस यार गलती से लगी, मैं पता ही नहीं चला, छुरी बड़ी तेज थी भाई, लगते साथ ही उसने काम तमाम कर दिया, खैर काम पूरा ही करेंगे, अब रोकना नहीं है काम, बड़ी बस सही हो गया, ये तो हो गया, बस यार ये पता नहीं कब बाद आएगा, इसका बंदा क्या करे, खुद देखो बिल्ली, ये तोतों के पीछे ही है, तार इसको नीचे उधर जाके खेल, चल उनके साथ जाके खेल, चल बदतमीज, चल आ यार हम अपना काम, वैसे उल्टा उठाऊं इसको, ये देखो अभी भी तंगी कर रहा है, तो आज तो मेरा हाथ जख्मी हो गया था इस वजह से काम भी रुक गया है, अब खैर खून तो रुक गया, लेकिन अब ये देखें हमने काफ़ी सारा काम तो कर लिया, थोड़ा बहुत रह गया है, मतलब अब जैसे खरगोश आएंगे ना तो यहाँ पे एक दरवाज़ा लगना रह गया, और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर मतलब छत पे शॉपर लगाना है, और थोड़ा सा काम रह गया, मतलब शॉपर लगा के मट्टी डाल देंगे, बाकी काम कम्प्लीट हो गया, देखें ये हमने खिड़की के लिए ये भी रख दिया, तो खैर खरगोश तो इसमें सही रह जाएंगे, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको मिनी जूम में कन्वर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा